मुरादाबाद में बढ़ते प्रदूषण के चलते भट्टियों के संचालक पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते पीतल कारोबारी पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा था, जहां पीतल कारीगरों ने दोबारा मुरादाबाद सांसद रुचिवीरा से इस मामले में बातचीत की। रुचिवीरा द्वारा सभी पीतल कारीगरों को आश्वासन दिलाया गया था कि वे इस मामले में दिल्ली से लेकर मुरादाबाद के आला अधिकारियों से बातचीत करके भट्टियां खुलवाने का काम करेंगे। सांसद रुचिवीरा के प्रयास के चलते ही सोमवार को अधिकारियों के साथ रुचिवीरा द्वारा बातचीत की गई, जहां अधिकारियों द्वारा सांसद की बात को मानते हुए पीतल और एल्यूमिनियम की भट्टियों को चलाने के आदेश दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि पीतल की आड़ में कोई भी ई कचरे की भट्टियों को नहीं चलाएगा और लगातार प्रदूषण का ग्राफ भी बढ़ रहा है। पीतल की भट्टी की मंजूरी मिलने के बाद पीतल कारीगरों के चेहरे पर एक खुशी झलक आई। सभी ने सांसद रुचिवीरा का शुक्रिया अदा किया। इस संबंध में सोमवार की रात को तारा बिल्डिंग स्थित डायमंड पैलेस के अंदर उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां रुचिवीरा का सभी ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। पीतल कारीगर शखावत हुसैन ने कहा कि पिछले 10-12 दिन से काफी परेशानी आ गई थी, क्योंकि भट्टियां बंद होने से काम नहीं हो रहा था, कारीगर भी काफी परेशान थे। आज रुचिवीरा जी के प्रयास से ही हमारी भट्टियां फिर से शुरू हुई हैं, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। अभी 10-12 दिन से बहुत समस्या चल रही थी, भट्टी नहीं चल पा रही थी। हमने मैडम को कॉल करी, मैडम बेचारी हाजिर हो गई, हमारी समस्या जो थी वो हल करा। हम इनका दिल से जो है स्वागत करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमारी समस्या जो थी वो हल हो गई आज मैडम यहां ये उसके हमने धन्यवाद के लिए मैडम के धन्यवाद के लिए ये प्रोग्राम रखा। समाजवादी नेता और वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर इमरान नवाज द्वारा बताया गया कि 10-12 दिन के बाद आज पीतल की भट्टियां सांसद रुचिवीरा जी के प्रयास के बाद ही खुली हैं, जिसके चलते आज हम सभी लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया और उनके कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया। देखिए साहब, ये जो बहुत ज्यादा बुरी समस्या मरवा की जनता के साथ थी कि भट्टी नहीं चल पा रही थी, ना एल्युमिनियम की ना पीतल की कारखानों की भट्टी नहीं चल पा रही थी, तो मैडम ने आज सुबह जाकर एसएस साहब को ज्ञापन दिया और उनसे आग्रह करा कि भट्टी खोली जाए। तो उन्होंने फिर आदेश दिए कि आप भट्टी जो है सही तरीके से चला सकते हैं, खोल सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम की और ग्लास की भट्टी चलाएंगे, ई कचरे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए साहब, शहर के सब जितने मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं आए हुए हैं, जिन्होंने मैडम का स्वागत किया है, कि ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है कि हमारे एमपी साहब ने हमारे लिए जाकर वहाँ जो है कोशिश करी और सारे काम जो है वो ठीक कर। मुरादाबाद सांसद रुचिवीरा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, यह मेरा कर्तव्य था कि मेरी जो जनता है जिन्होंने मुझे एक जन प्रतिनिधि बनाया है, मैं उनकी आवाज को शासन से लेकर प्रशासन तक पहुंचा सकूं। जब मुझे पता चला कि मेरे पीतल भाइयों की भट्टियां बंद हो गई हैं और रोजी रोटी का संकट आ गया है, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अधिकारियों से बात की। उन्होंने मेरी बात का मान रखा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ भट्टियां पीतल और एल्यूमिनियम की ही संचालित करने के आदेश दिए गए हैं, ई कचरे की भट्टियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। स्वागत के लिए तो धन्यवाद कहना चाहूँगी, शुक्रिया कहना चाहूँगी, लेकिन ये मेरे संज्ञान में आया और कल काफ़ी लोग मुझसे मुलाकात की, आप जैसे भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने रखा ये बात कि 12-14 दिन से मुरादाबाद में भट्टियों को बंद कर दिया गया है, और क्योंकि जो मुरादाबाद है ये एक औद्योगिक नगरी है, पीतल नगरी है, बहुत बड़ा काम यहाँ होता है और लाखों लोगों की जिंदगी इसके इर्द गिर्द है, चाहे वो कोई छोटे लेवल पे हो, बड़े लोग लेवल पे हो, कोई एक्सपोर्टर हो, चाहे कोई कारीगर हो, चाहे छोटा और मजदूर हो जो इधर से उधर सामान को ढोने वाला हो, तो सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं और पूरा कारोबार इससे मतलब प्रभावित होता है हर किस्म का ही, तो ये बहुत ज़रूरी था और लोगों के जो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसका भी संकट पैदा हो गया था, उनकी रोजी रोटी का भी, कई गरीब कमजोर जो बेचारे रोज का कमाना और रोज का खाना है, मजदूरी करते हैं, उनका जिंदगी गुजर बसर का भी एक तो मतलब संकट पैदा हो गया था। तो मेरे संज्ञान में जैसे ही आया तो कल की बात हुई रात को, आज भी जाके इसका निस्तारण अब हो गया है, और इसमें सिर्फ एक यही बात कही गई है कि जो ई वेस्ट है उसको ना इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि पॉल्यूशन के मद्देनज़र बाकी जो सब लोग भट्टी चलाने वाले लोग हैं वो अपनी भट्टी को चलाएं, अपना सुबह से कल से काम शुरू करें और अपनी जो रोज़ की ज़िंदगी को मतलब पटरी पे लाने का काम
नुमाइंदगी का मतलब ही ये है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही ये है कि सब लोग एक बात को ना बोल सकते हो तो एक मुखिया चुन लेते हैं या प्रतिनिधि बना लेते हैं और वो उनके मसलों को चाहे लोकसभा में रखने का काम करें और चाहे अधिकारियों तक रखने का काम करें। तो मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मैंने वादा भी किया था अपने इलाके के लोगों से कि मुझे वोट दे के किसी को ना उम्मीद ही नहीं होगी। और मैं ऐसे उस वक्त कहा करती थी कि मैं चौकीदारी करने का काम करूँगी, तो बिल्कुल वाकई मैं चौकीदारी करने का काम करूँगी और ऊपर वाले से ये दुआ भी करती हूँ कि जो इज्जत मुरादाबाद के लोगों ने और ख़ासतौर से मेरे मुस्लिम भाइयों ने एक हिंदू बहन के ऊपर यकीन करके जो अपना कीमती वोट भी दिया है और मुझे दुआएं भी दी हैं, ऊपर वाला मुझसे मतलब कुछ काम ले ले और मुझे वो हिम्मत और ताकत दे कि मैं आप सब लोगों की हर लड़ाई को बुलंद बुलंद आवाज़ में उठाने का काम करूँ।